माँ का आशीर्वाद और इन वादियों की ताजगी समेट कर अब मैं जा रही हूँ हिमाचल के रसोई घर में। यहाँ पे बैठी है मेरे साथ सावित्री जी और हम बैठे हैं बेखली गांव में, जो कि कुल्लू का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। मैंने अभी इनके गार्डन में जाके, इनके खेत में जाके ये धनिया, ये ताज़ा हरा लहसुन है वो लेके आए हैं, और हम जो डिश बनाने जा रहे हैं उसका नाम है भटूरू। सावित्री जी बताइए कि जो हम डिश बनाने जा रहे हैं इसको आप कब कब बनाते हैं? कोई मेहमान आए, कोई त्यारों में। अच्छा, जो भटूरू है वो एक स्टफ्ड पराठे की तरह है। अच्छा। उसके अंदर ये खुमानी की गुठलियाँ हैं, इसको तोड़ के हम इसका जो बादाम है उससे इसके अंदर की फिलिंग बनाएंगे, है ना? इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये क्या है, ये मेथी। ये मेथी है जो पिसी हुई, ये गरम मसाला, ये नमक, ये हमारे पास है सूखी मिर्ची, हल्दी, पानी वगैरह थोड़ा सा, पानी डालना, थोड़ा हल्का सा पानी डाल दे। ये लीजिए, ये तो हमारा हो गया तैयारी। अब सावित्री जी को हमने बताया था कि भटूरू बना रहे हैं, तो हमने आटा पहले से ही लगा लिया था भटूरू का, और आटे में डाला है थोड़ा सा यीस्ट और उसको 4 से 5 घंटे तक रखा है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। तो चलिए शुरू करें, इसको कैसे बनाना है। ये ऐसे करके फ्लैट करा है हमने क्योंकि इसे नमक थोड़ा ज्यादा रहता है, इसको हमने हल्का सा भरना है, और ये सारे कोने हमने बंद कर दिए ताकि ये कहीं से ना निकल पाए, और इसको अब हाथ से बनाया जाता है। अब हमारा चूल्हा एकदम तैयार हो गया है, हमने काफी सारे भटूरे की प्रेपरेशन कर ली है, आंच तेज है, तवा गर्म है, अब सिर्फ भटूरे की जाने की देरी है। तो हम ये जो भटूरू है इसको डाल दें। बहुत अच्छे से ये खुद ब खुद फूल रहा है क्योंकि इसके अंदर यीस्ट है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू थ्रो इट इन ओपन फायर। एकदम तैयार हो गया ये, और एकदम ब्रेड की तरह है, पूरा अंदर देसी तरीके से चूल्हे में बेक करा है, मैंने फर्स्ट टाइम करा है, आई एम सो एक्साइटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेस्टी है, वेरी टेस्टी।